नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स की। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि वेन्स एनलार्ज हो जाती हैं, जिन्हें हम छूकर या देखकर महसूस कर सकते हैं। यह प्रॉब्लम हाथ या पैरों में हो सकती है या लोअर लिम में होना इसका कॉमन सी बात है। इसमें स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है, डार्क ब्लू पर्पल कलर के पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, पैरों में सूजन और भारीपन फील होता है, कभी कभी दर्द भी महसूस होता है, मसल्स पेन हो सकता है जिसकी वजह से चलने में दिक्कत हो सकती है और रात में नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोगों को इसमें इचिंग भी होती है। 90% केसेस में ये देखा गया है कि स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, जिसमें कि कुछ जाल सा बन जाता है इसमें वेन्स का, जो कि वो स्किन कलर से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है। फीमेल में ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है। हाई हील्स और अनइवन सरफेस पर चलने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लेडीज़ में प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि वेट बढ़ जाता है, तब भी उनको ये प्रॉब्लम देखी गई है। जिन लोगों का लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब है उन लोगों में ये प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर फैमिली में किसी को ये है, अगर फैमिली हिस्ट्री में है ये प्रॉब्लम, तब भी ये प्रॉब्लम आगे कंटिन्यू रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें थोड़े से जो हमें प्रिकॉशंस हैं अगर ले लिए जाएं तो काफ़ी हद तक हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अल्कोहल को ड्रॉप कर देना चाहिए अगर जो लोग एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ करते हैं। इसके अलावा बॉडी की स्ट्रेचिंग होना बहुत ज़रूरी है। लेग्स को थोड़ा ऊपर करके दो पिल्लो रखकर सोना चाहिए। लॉन्ग सिटिंग वाले वर्क नहीं करने चाहिए। अपने वेट को कंट्रोल में रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें और पैरों को मूव करके एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। इस डिजीज़ में अगर पट्टी बांध ली जाए तो भी नसों का फूलना कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, अगर आप उनको रेगुलर बेस पे करते रहते हैं तो इस प्रॉब्लम के ऊपर काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पैर की एड़ी के पीछे की तरफ जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, आप उनके ऊपर प्रेशर करें और नाखूनों के पास जो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आप उन पर भी नॉर्मल प्रेशर करें। इसके अलावा हाथ की हथेली को उल्टा करके जो आपको इस पिक्चर में पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आप उनके ऊपर प्रेशर करें। ये प्रेशर कब कब करने हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये प्रेशर दिन में 5-6 बार 20-20 सेकंड के लिए करना है रेगुलर बेस पे, तब तक जब तक कि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपको लगता है कि आपकी अवस्था में, आपकी कंडीशन में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो उस कंडीशन में दिन में 2 बार ही 20-20 सेकेंड के प्रेशर देने चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन लोगों के लिए जिनको ये प्रॉब्लम है या उन लोगों के लिए जिनको आपको लगता है कि ये हेल्पफुल हो सकती है, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मैं अगली वीडियो में फिर आऊँगी। बाय बाय।